हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए कैमरा उठाया, बारिश स्टार्ट हो गई। देखो वो भी बड़ी अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है। आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेस्ट जैकेट को लेके, जो कि बजट में आ जाए। चाहे अपन विंटर ट्रैक कर रहे हो, चाहे आप केदारनाथ यात्रा जा रहे हो, तो एक सबसे बड़ी वो जो टेंशन रहती है वो रहती है जैकेट को लेके, कि जैकेट कौन सा ले जिसमें कम पैसा भी कम लग जाए और जैकेट भी अच्छा आ जाए। तो ये आप लोगों का जो रिसर्च चल रहा है ये आज मैं यही ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद आपको और R&D करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मैंने एक जैकेट को लेके स्टोरी डाली थी कि वो वाला जैकेट आप ले सकते हो। तो वो जैकेट मैंने भी मंगाया खुद के लिए भी। तो अभी उसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि पहनने में कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये बॉक्स आज ही आया है, यहाँ रख देता हूँ। ये है इसके अंदर कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन है, ये इसका बिल है, और ये है इसके अंदर जैकेट। ये डायरेक्ट स्टोर से आया तो ज़्यादा इसको पॉलीथीन रैप करते नहीं है। अभी तो आई थिंक पॉलीथीन भी बैन हो गई है। तो ये जैकेट, ये है SH100X BOM, जो कि 2999 का इसका MRP है। बट अभी ये ऑफर में चल रहा था लगभग 1499, यानी कि 1500 रुपये का ये अभी आ रहा था। ये -10 डिग्री तक ले लेता है। उसके बाद पहन कर देखते हैं। और जो मैंने मंगाया है ये M साइज़ मंगाया है, और साइज़ के अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो फिर तो बारिश में वीडियो बनाने का बड़ा मज़ा आता है। तो साइज़ का कन्फ्यूज़न हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो टी शर्ट पहनता हूँ ये L साइज़ है, ये मैंने M साइज़ मंगाया क्योंकि इसमें एक साइज़ प्लस आती है। तो ये बिल्कुल फिट है, मतलब प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से है। इसमें कैप भी आ जाती है, बट इस कैप को डिटैच नहीं कर सकते, ये साथ ही रहेगी। अभी भी पहनने से बड़े वो गर्मी गर्मी सा लगने लग जाएगी। पूरा पहन के चेक करता हूँ, जो इसका M साइज़ है मुझे परफेक्ट आया। जिसको L साइज़ आती है ना टी शर्ट, उसके लिए M साइज़ परफेक्ट आएगा। और उसको स्ट्रैप भी दे रखे हैं, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपन इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। दोनों हाथ में दे रखे हैं। पॉकेट में एक इसका फ्रंट पॉकेट है, ये इसमें कुछ भी अपन पैसा वगैरह डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो। और साइड पॉकेट है इसकी, दो जो कि बटन है, स्ट्रैप नहीं है, गर्म है वो। लेकिन ये हमारा मिलन है। अब इसको पहन रहा हूँ ना, पहने हुए भी मुझे गर्मी लगने लगती है अंदर से। और इसको यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। तो ये है इसका रिव्यू, आप बताओ देखने में कैसा लग रहा है आपको। एकदम सही लग रहा हूँ ना मैं। ये है कैंचुआ का स्नो हाइकिंग SH100X BOM जैकेट, जो कि -10 डिग्री तक जाता है। इसको अगर आपको परचेज़ करना है तो आप डिकैथलॉन की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आप विंटर जैकेट या विंटर स्नो जैकेट SH100X सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें 2 या 3 वेरिएंट आते हैं अलग अलग कलर के, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें ऊपर से ये ब्लैक आ जाता है और नीचे का ये लगभग ब्लू, पता नहीं कौन सा वाला ब्लू था, ये वाला है। तो ये बहुत अच्छा जैकेट है कम प्राइस में। अगर इसका MRP भी देखेंगे तो 2999 ही है, मतलब 3000 रुपये का। और कभी डिस्काउंट में मिल जाए तो और ही बढ़िया। अभी तो 50% डिस्काउंट 1500 में मिल रहा है। तो आप इसका वेबसाइट पे जाके चेकआउट करो। अगर आपको वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिखे तो आप वेट करना, जैसे ही आए ये वाला बाई कर लेना। तो अब आप कमेंट करके बताओ आपको ये जैकेट कैसा लगा और ये सजेशन कैसा लगा। और ये वाला जैकेट आप कहीं पर भी पहन सकते हो। आप चाहे विंटर ट्रैक कर रहे हो, -10 डिग्री तो ये ले रहा है, -20-25 डिग्री तक ये ले लेगा, क्योंकि बस आप इसमें लेयरिंग बढ़ा लो। तो अभी बारिश आ रही है तो मैं ज़्यादा एंगल से शूट कर नहीं पा रहा हूँ। और हाँ, जो लोग भी केदारनाथ यात्रा को लेके भी सोच रहे हैं कि क्या ये जैकेट वहाँ पर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये केदारनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, -5 डिग्री -7 डिग्री तक जाता है, तो बिल्कुल वहाँ पर भी चलेगा और अच्छा काम करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरीके का कॉन्टेंट अगर आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।